गणतंत्र दिवस को अब बहुत ही कम समय रह गया है, इसके लिए तैयारियां भी बहुत जोर शोर से चल रही हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस कुछ ज्यादा ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस मौके पर 10 देशों के राष्ट्र प्रमुख हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में इंडो आसियान सम्मेलन भी हो रहा है। बता दें, राजपथ पर भारतीय सेना के जवान परेड में एक से बढ़कर एक करतब दिखाने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत पधारे इन राष्ट्र प्रमुख मेहमानों में से सबसे खास अंदाज ब्रुनेई के सुल्तान हसनाल बोलकिया का रहा है। पीएम मोदी के निमंत्रण पर आसियान सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने खास विमान से दिल्ली पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी के खास विमान ने दिल्ली आने के लिए वो करतब दिखाया है कि हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है। बुधवार को जब ब्रुनेई के सुल्तान अपने विमान से दिल्ली उतरे तो उनके स्वागत के लिए पहुंचे गृहराज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी हैरान रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली से ब्रुनेई तक की दूरी लगभग 5000 किलोमीटर की है। इतनी दूरी होने के बाद भी सुल्तान ने इतना बड़ा कदम उठाया कि सब भौचक्के रह गए। बता दें, सुल्तान ने यहां से दिल्ली तक खुद विमान उड़ाकर इस सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। जब इस बात की जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी को लगी तो वे हैरान रह गए। सुल्तान विमान उड़ाने के काफी शौकीन हैं। उनके इस विमान को उड़ाने के लिए पायलटों की पूरी टीम है, लेकिन वह फिर भी इसे खुद उड़ा के आए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी सुल्तान 2008 और 2012 में खुद ही विमान उड़ाकर भारत आ चुके हैं। सुल्तान इस समय 71 साल के हैं। उनके इस विमान की कीमत तकरीबन 1200 करोड़ है। बताया गया है कि वैसे इस विमान की कीमत 545 करोड़ रुपए है, लेकिन इसकी अंदरूनी सजावट के लिए उन्होंने अलग से 654 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। सुल्तान के इस विमान को दुनिया का सबसे लग्जूरियस एयरक्राफ्ट माना जाता है। सुल्तान पीएम मोदी को इतना अच्छा दोस्त मानते हैं कि उनके एक बुलावे पर वो खुद ही विमान उड़ाकर भारत आए हैं। वैसे कोई अमीर शख्स खुद अपनी गाड़ी कभी नहीं चलाता, लेकिन ब्रुनेई के सुल्तान मोदी के एक बुलावे पर अपना खुद का विमान उड़ाकर भारत आए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।